हेलो मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को गुड इवनिंग और आशा करते हैं कि बार बार क्वेश्चनों को रिवाइज करते हो कर रहे होगे और करना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों सीरीज जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और दोनों सीरीज के महत्व को एक बार नहीं कई बार मैंने तुम्हें समझाया है कि चैलेंजर सीरीज सबको चैप्टर वाइज तैयार करती है, चैप्टर वाइज खड़ा करती है। तो एक तो चैप्टर वाइज हमारी तैयारी हो रही है और मास्टर सीरीज सबको पूरी बायो को एक साथ तैयार करा रही है। और एक बात तुम लोग जुटे हो, अच्छी बात है। हमेशा याद रखना कि जब किसी चीज की तैयारी करते हो तो रास्ता मत देखिए, राहें मत देखिए, मंजिल देखिए। मंजिल टारगेट होना चाहिए, ये मत देखिए 4 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, ये कुछ नहीं आपको देखना है। केवल आपको टारगेट दिखना चाहिए कि नीट हमारी होनी है जून में। ये दिमाग के अंदर बैठा के चलिए और ये बात डिसाइड मत करिए मन के अंदर 3 महीने 4 महीने बचे हैं। तो हमेशा विनर जो होता है राहें नहीं देखता है, मंजिल को देखता है और वही विनर बनता है। तो मंजिल देखिए, राहें मत देखिए और जुट करके खूब कस के मेहनत करिए जैसे हम तुम्हारे साथ लगे हुए हैं और हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। बस लगे रहिए, मेहनत करिए और सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण किसी का पहले आंसर आ जाता है, किसी का बाद में आता है। इससे किसी को होपलेस होने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर पहले नहीं आया है, मेरा होगा या नहीं होगा। ये बातें दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए, वो नेट प्रॉब्लम की वजह से होता है। और आंसर सबके सही आते हैं, ये सबसे गुड न्यूज है, समझे। तो आज देखते हैं कौन मिलेगा हमें नया सितारा और कौन बनेगा चैंपियन आज चैलेंजर सीरीज का। लड़कियों के बीच होगी टक्कर या लड़कों के बीच होगी टक्कर या लड़के और लड़कियों के बीच होगी टक्कर, इन सारी बातों का जवाब हमको बहुत जल्दी मिलेगा। और ये भी तुम्हें मालूम है, YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसी 2 सीरीज चलाई जा रही हैं और वो भी लाइव और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। कितना आप लकी हो और हम तुमसे भी ज़्यादा लकी हैं, इसलिए कि आप जैसे स्टूडेंट हमको मिले हैं और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हम अपने को गौरवान्वित फील करते हैं। और दूसरी बात यह है, और ज्यादा लकी हो क्योंकि नीट के इतिहास में 2 बार नीट होने जा रहा है और 2 बार नीट होने से बहुत बड़े फायदे होंगे। बस लग जाइए, जुट जाइए, मंजिल पास है और किसी भी डायरेक्शन में तुम्हें नहीं देखना है, केवल दिखना चाहिए तो नीट दिखनी चाहिए बस। एनी हाउ, सब कुछ छोड़ करके नीट पर लग जाइए। और नीट वास्तव में बलिदान चाहती है, और कैसा बलिदान? भौतिक सुखों का बलिदान चाहती है। यारी दोस्ती को छोड़िए, अगर कोई मोबाइल पर कोई ऐसी चीज देख रहा है तो वो छोड़िए, टीवी देखना छोड़िए, बस किताबें और तुम ये सिलसिला होना चाहिए। और अच्छी रैंक के साथ आप एक मेडिकल कॉलेज पाएं, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। और जैसा कि चैलेंजर सीरीज तुम्हें मालूम है, 86 चैलेंजर सीरीज हम करवा चुके हैं, आज 87 नंबर की चैलेंजर सीरीज कराने जा रहे हैं। अर्पा हसन गुड इवनिंग, कुमार कुशवाहा गुड इवनिंग, रश्मि झा गुड इवनिंग, और शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं आज कौन बनेगा चैंपियन, हमको कौन नया सितारा बनेगा। इन सभी बातों का जवाब बहुत जल्दी हमको मिलेगा। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन ये रहा है आपकी स्क्रीन पर, कौन बनेगा चैंपियन, ये तो समय बताएगा। और स्नेहल पांडे ने अपना खाता खोल दिया है, वेरी गुड स्नेहल पांडे। और स्नेहल पांडे ने अपने इरादे साफ साफ सबको जाहिर कर दिया है कि अब हम नहीं मानेंगे क्योंकि
मास्टर सीरीज में हमारा खाता भी नहीं खुला था, तो अब किसी हालत में स्नेहल मानने वाली नहीं है और अपने खतरे की घंटी बजा दी है। वरुण अग्रवाल, मिश्रा क्लासेस चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये नीट का दंगल चल रहा है, कौन बनेगा चैंपियन, उसमें अपनी पूरी प्रतिभा दिखाने का तुम्हें मौका मिलेगा और दिखाइए प्रतिभा। सभी का आंसर सही है, वेरी गुड, जितनी प्रशंसा करो उतनी कम, लेकिन बाजी स्नेहल के नाम रही। क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए जैसे गलती ना हो, और क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर टू फिर से इजाज ने भी खाता खोल दिया है, वेरी गुड इजाज, स्नेहल और इजाज का खाता खुल चुका है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि अगर आपस में टकराना है, आपस में भयंकर टक्कर देनी है एक दूसरे को, तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, तभी आप टक्कर दे पाओगे, नहीं तो देर हो जाएगी तब आप टक्कर नहीं दे पाओगे। और वरुण अग्रवाल तुम्हारा आंसर भाई गलत हो गया है, इसको सही करिए, क्वेश्चन नंबर टू का फोर आंसर सही है। सिमरन हरानी सही आंसर है, अनुराग वर्मा सही आंसर है, कुमार कुशवाहा सही आंसर है, कुनिका सही आंसर है, कुनिका गोल खूब मारती हो, शिवान सही आंसर है, और श्रुति सही आंसर है, रोहन ब्राउनियन सही आंसर है, वेरी गुड, अर्पा हसन सही आंसर, रश्मि सही आंसर, स्नेहल सही आंसर, और इजाज का सबसे पहले आंसर आया है और सही आंसर है। रोहन ब्राउनियन बहुत अच्छा खेले थे मास्टर सीरीज में, जितनी प्रशंसा करो उतनी कम तुम्हारे लिए, और उससे भी ज़्यादा चैलेंजर सीरीज में अच्छे से खेलिए और सभी लोगों को टक्कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर तीन आपके स्क्रीन पर यह है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे कंपटीशन टफ होता जाएगा, और क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर तीन आज हमको दिख रहा है कि रश्मि झा बहुत गुस्से में है, क्योंकि रश्मि झा दोपहर में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई थी, और रश्मि झा ने भी अपना खाता खोल दिया है, अपने इरादे प्रकट कर दिए हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, वेरी गुड रश्मि, तुम्हारा खाता खुल चुका है। देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट आंसर सही है। जिन लोगों ने फर्स्ट लगाया है उनका वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। अर्पा हसन देखते हैं आप क्या करती हैं, अगर आंसर मेरे बताने के बाद आंसर आप देते हो तो हम फिर उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, मेरे बताने के पहले आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर तीन का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर चार आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखते हैं शिवांश पहले देते हो या नहीं आंसर, रोहन देखते हैं सबसे पहले आंसर देते हो या नहीं, जितनी ताकत है पूरी ताकत दिखाइए, सबसे पहले आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर चार आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर सही आए हैं। और क्वेश्चन नंबर चार का फर्स्ट आंसर सही है। अब देखने की बारी है किसने क्वेश्चन नंबर चार का फर्स्ट आंसर सबसे पहले दिया है। क्वेश्चन नंबर चार का सबसे पहले दिया है आंसर आसफी एसके ने दिया है। आसफी एसके बहुत बहुत तुम्हें बधाई और थैंक यू, क्योंकि आपने खाता खोला है और मेरी समझ से पहली बार तुमने सबसे पहले आंसर दिया है, खाता खोला है। ऐ रश्मि झा ने कहा मेरा है, रुक जाइए चेक कर लेते हैं, बहुत भाई लड़ाई करते हो छोटे बच्चों जैसे। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, ओफो आसपीएसके का क्वेश्चन थर्ड का आंसर था, रश्मि झा का सही आंसर है, वेरी गुड, आसपीएसके द्वारा खाता नहीं खुला है, रश्मि झा का है, वेरी गुड, हमसे ये गलतियां हो जाती हैं।
और इन गलतियों का एहसास दिलाने के लिए, करेक्शन कराने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज ने हमको इन्फॉर्म किया, सिमरन ने हमको इन्फॉर्म किया, रोहन ब्राउनियन ने इन्फॉर्म किया, स्नेहल ने कहा और प्रांजल ने कहा, सभी ने कहा कि रश्मि का आंसर सही है। हमको मजबूर किया रीचेक करने के लिए और वास्तव में रश्मि का आंसर सही था। वेरी गुड रश्मि, सॉरी हमसे गलती हुई आपके आंसर को देखने में, वेरी वेरी सॉरी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार का फर्स्ट आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर चार का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर पांच आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पांच आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है और देखते हैं किसका आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर पांच आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सबसे पहले है और जैसा कि मैंने बताया था, स्नेहल के इरादे बहुत बुलंद हैं और स्नेहल ने जवाब दिया है सबसे पहले। तो स्नेहल के दो पॉइंट हो चुके हैं, रश्मि के दो पॉइंट हो चुके हैं और स्नेहल ने अपने पूरे इरादे प्रकट कर दिए हैं। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पांच का सेकंड आंसर सही है। इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन, तो बेसिक मीडियम में मतलब एल्केलाइन मीडियम में ये होता है। बहुत सारे लोगों ने लगाया है एसिडिक मीडियम में, जिनका आंसर गलत है, एसिडिक मीडियम में नहीं होता है। तो वेरी गुड, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड आंसर सही है। तो जिन लोगों ने सेकंड आंसर लगाया है उनका सही है और जिन्होंने फर्स्ट लगाया है उनका आंसर गलत है। और स्नेहल पांडे ने सबसे पहले इसका आंसर दिया है और स्नेहल पांडे ने अपने इरादे प्रकट कर दिए हैं, सभी को दिखा दिया है और स्नेहल पांडे का आंसर सही है। तो बेसिक मीडियम सही है, एल्केलाइन मीडियम सही है, इसमें इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर पांच का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर छह आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर छह और देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा चैंपियन चैलेंजर सीरीज का। और अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं और लगभग सही आंसर आ रहे हैं, जितनी प्रशंसा करो उतनी कम। तो क्वेश्चन नंबर छह का फर्स्ट आंसर सही है, एक्टिवेटेड प्रोटोटॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ, किससे बाइंड करता है, तो मिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर छह का फर्स्ट आंसर सही है और अब देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सबसे पहले आंसर किसने दिया है, इजाज ने सबसे पहले आंसर दिया है। वेरी गुड इजाज, इजाज का आंसर सबसे पहले आया है, नो डाउट नो कंफ्यूजन इजाज। इजाज इजाज के भी दो पॉइंट हो चुके हैं। रोहन ब्राउनियन जल्दी से आंसर खोलिए, हसन सही जवाब दीजिए जल्दी से। और इजाज के दो पॉइंट, स्नेहल के दो पॉइंट, रश्मि झा के दो पॉइंट, ये तीनों लड़कियां आग उगलना शुरू कर दी हैं। अगर जो आपको इस आग से मुकाबला करना है तो आपको मैदान में उतरना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। और युद्ध के मैदान में कोई अपना नहीं होता है, सब कंपटीटर होते हैं, तो कंपटीटर की भावना से युद्ध के अंदर आप लड़े। मतलब नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा दंगल नीट के लिए। क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा चैंपियन। और हमने तुमको बताया है आज इजाज आग उगल नहीं, आज स्नेहल पांडे आग उगल नहीं है और आज दोपहर का पूरा बदला लेना चाहती है स्नेहल, क्योंकि दोपहर में स्नेहल कुछ नहीं कर पाई थी और वो सारी बातों का बदला स्नेहल एक एक करके चुन के ले रही है सबके साथ। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का फोर आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 7 का 4 आंसर सही है। रोहन गोविंद सही आंसर है और विशाल वर्मा सही आंसर है और वरुण अग्रवाल गलत आंसर है तुम्हारा, और अनुराग वर्मा सही आंसर, कुनिका का सही आंसर, मोना नागर सही आंसर, वेरी गुड सारिका बिल्कुल सही आंसर है, और श्रुति सही आंसर है, अरफा हसन गलत आंसर है। अरफा हसन उठिए, खड़ी होइए और जल्दी से जवाब दीजिए। और रश्मि झा सही आंसर, इजाज सही आंसर, स्नेहल का सबसे पहले जवाब आया है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक्टिवेटेड प्रोटोट्रैक्शन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियम एंड क्रिएट, ये क्या क्रिएट करता है? पोर इन द एपिथेलियल सेल सही बात है, काजेस सेल स्वेलिंग सही बात, लाइसिस ऑफ सेल सही बात, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 4th आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सबसे पहले जवाब देता है। और क्वेश्चन नंबर 8, अवधेश मम्मी की तबीयत ठीक है? अवधेश मम्मी घर पे आ गई? क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है सामने, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd आंसर सही है और देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले रश्मि झा ने आंसर दिया है। स्नेहल दोपहर में कोई कुछ खास नहीं कर पाई थी और रश्मि भी दोपहर में कुछ नहीं कर पाई थी ज्यादा, और वेरी गुड, हमने तुमसे कहा था कि मम्मी की तबीयत बहुत जल्दी सही हो जाएगी और घर आ गई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, अब लग जाइए। और नीट भी 2 बार हो रही है इस साल से, और जम करके खूब पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, मम्मी स्वस्थ रहें और तुम आगे बढ़ते रहो। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, और जो रश्मि और स्नेहल 3-3 पॉइंटों पर है, इजाज 2 पॉइंटों पर है, और इन लोगों का जम करके करिए मुकाबला। और रोहन ब्राउनियन तुम भी जम करके करिए मुकाबला, हम यही चाहते हैं कि टक्कर जबरदस्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd आंसर सही है। क्वेश्चन ये है, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड, तो 3rd आंसर है क्राई, CRY क्राई के द्वारा कोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है और देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन। सब कुछ आपके सामने, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है और मेरी बात अवधेश ने सुन ली है, इस बात के लिए अवधेश बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना खाता खोल दिया है, हम चाहते भी थे और तुमने वैसा किया भी। और रोहन बहुत जल्दी आप अपना खाता खोलें। और क्वेश्चन नंबर नाइन का 2nd आंसर सही है। क्वेश्चन यह है क्राई IAC एंड क्राई 2nd AB जीन कंट्रोल द कॉटन बॉल वर्म पर कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 2nd आंसर सही है, वेरी गुड, और सबसे पहले जवाब अवधेश ने दिया है। देखते हैं, एक बात आपको फील करना चाहिए, हम तुम लोगों के सिलेक्शन के लिए नए नए क्वेश्चन निकालते हैं NCERT से, आखिर मेहनत करना पड़ता होगा, कोई अपने आप तो आंसर बन नहीं जाते, क्वेश्चन बन नहीं जाते हैं। तो जब मैं मेहनत कर सकता हूं, तुम्हारे तो भविष्य का सवाल है, हमसे 4 गुना ज्यादा मेहनत तुमको करनी चाहिए और नीट के अंदर एक धमाल मचा दीजिए, एकदम पूरा देश जान जाए कि हाँ इस लड़के ने कमाल किया है, ऐसी ताकत दीजिए। और एक बात बताएं, माँ बाप तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खत्म करते हैं और माँ बाप को केवल एक खुशी तुमसे चाहिए, वो भी है सिलेक्शन।
एक खुशी दे दीजिए और मात्र 2-3 महीने की बात है, सब कुछ छोड़ करके लग जाइए नीट के ऊपर और माँ बाप को ये खुशी दे दीजिए। और जो आप दे सकते हो, सब में एबिलिटी है, ऐसा नहीं कि किसी में एबिलिटी नहीं है, सब दे सकते हो, तो माँ बाप को दे दो ये खुशी और ले लीजिए आज सौगंध कि हमें नीट पे टॉप करना है और पूरी ताकत झोंकनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कौन देता है सबसे पहले जॉब। और हमने पहले बताया है आज स्नेहल दोपहर का पूरा बदला लेना चाहती है। स्नेहल स्नेहल एक 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 कैंडिडेट से खुल के बदला ले रही है। वेरी गुड स्नेहल, आग उगल रही है। और क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ आंसर सही है और दोपहर का पूरा बदला ले रही है। और सौम्या मिश्रा क्लासेस चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम करके आंसर दीजिए। आप आते ही सही आंसर भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये है, अ निमेटोड मिलोडियोगाय इनकॉग्निटा इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, की रूट को इन्फेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, देखते हैं प्राची कौन लेता है मुकाबला, कौन करता है मुकाबला आज स्नेहल का। स्नेहल आग उगल रही है। रोहन ब्राउनियन जल्दी से आप आइए और क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंतजार कर रहा है। और देखते हैं लगभग सभी ने आंसर दिया है। सेमरन हैरानी जल्दी से आंसर दीजिए और अपना खाता खोलिए। शिवास जल्दी से आंसर दीजिए, अपना खाता खोलिए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड आंसर सही है और सबसे पहले जॉब किसने दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 का अवधेश ने जॉब दिया है। वेरी गुड अवधेश। उसके बाद इजाज का जॉब आया है। अवधेश के 2 पॉइंट है और अवधेश का कहना है अब हम मैदान के अंदर कूद पड़े हैं और देखते हैं किस में कितना है दम, किसने कितनी की है पढ़ाई। तो अब बहुत टक्कर होने जा रही है। स्नेहल के 4 पॉइंट, रश्मि के 3 पॉइंट, अवधेश के 2 पॉइंट, इजाज के 2 पॉइंट। सेमिरन मैदान में जल्दी से कूदिए और इंटरेस्टिंग मैच को बनाइए। आप बना सकती हो, आप में ये क्षमता है और पूरी क्षमता के साथ आप उतरिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आया है, अभी तो आ ही रहे आंसर और सभी के आंसर लगता सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर अर्पासन इतनी जल्दबाजी कि क्वेश्चन टाइप हो गया लेकिन आंसर नहीं, अब आंसर सही हुआ है अर्पासन का। वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आंसर सही है और सबसे पहले आंसर, अब हम चेक करके देते हैं आंसर क्योंकि हमसे गलतियां हो जाती हैं और तब तुम लोग बहुत परेशान हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का रश्मि झा का आंसर आया है। वेरी गुड रश्मि झा। और रश्मि झा भी 4 पॉइंटों पर पहुंच चुकी हैं, स्नेहल का मुकाबला कर लिया है। नेट स्लो चल रहा है सिमरन, तुम ऐसा करो मोबाइल को पटक दो, ठीक है, या उधर से फेंको, हम मोबाइल कैच कर लेंगे, ठीक। सिमरन जयपुर से मोबाइल फेंकिए और हम यहाँ पर जबलपुर में कैच कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आंसर सही है। वेरी गुड। और सिमरन हम तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं और मेरी दास हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13
और जुट करके जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए और बनिए चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड आंसर सही है। अर्पा हसन सही आंसर, अवधेश सही आंसर, सिमरन सही आंसर, मोना नगर सही आंसर, प्राची सही आंसर है और वरुण सही आंसर है, अनुराग वर्मा सही आंसर, सभी के आंसर सही है। रोहन ब्राउनियन जल्दी से खाता खोलिए, क्या कर रहे हो भाई मेरा। मैरी दास सही आंसर, रोहन गोविंद सही आंसर, प्रांजल सिंह सही आंसर और श्रुति सही आंसर, कुनिका सही आंसर, शिवान सही आंसर, सारिका ठाकुर जल्दी से मैदान में आइए और सही आंसर है तुम्हारा, और रश्मि झा सही आंसर है और इजाज निमारी है। बाजी इजाज तुम्हारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत तगड़ा संघर्ष लगता है होगा, ऐसा साइन दिख रहा है कि मुकाबला बहुत कठिन होगा और कितना कठिन होगा वो तो समय बताएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर है। सेकंड आंसर सही है और क्वेश्चन नंबर 14 आपकी अग्नि परीक्षा लेने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी लेगी अग्नि परीक्षा और देखते हैं उस अग्नि परीक्षा में कौन सफल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है और देखते हैं किसका जवाब होता है सही। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लगता है बहुत सारे लोगों के जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड आंसर सही है। रोहन गोविंद गलत आंसर, कुमार वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड आंसर सही है। अनुराग वर्मा गलत आंसर है, वरुण अग्रवाल गलत आंसर है, सौम्या सही आंसर है, प्राची सही आंसर है और मैरी दास का नेट बहुत स्लो चल रहा है, आसपीएस के सही आंसर है, वेरी गुड। और कुमार सही आंसर नहीं है, गलत है। कोनिका सही आंसर, मैरी दास सही आंसर, शिवान सही आंसर, श्रुति सही आंसर, सारिका सही आंसर और रोहन का सही आंसर है, मोना नगर सही आंसर। और देखना है जवाब सबसे पहले किसने दिया है। अवधेश सही आंसर, अल्पा हसन का गलत आंसर और जवाब सबसे पहले आया है रश्मि झा का, नहीं इजाज का सबसे पहले आया है। क्वेश्चन नंबर 14 का इजाज का सबसे पहले आंसर आया है और इजाज ने कर ली है सबकी बराबरी। इजाज के 4 पॉइंट, स्नेहल के 4 पॉइंट, रश्मि के 4 पॉइंट, अवधेश के 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब टक्कर भयंकर होने जा रही है। जंपिंग जीन वो होती है जो क्रोमोजोम्स पर अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, ऐसी जीन को जंपिंग जीन्स कहते हैं या ट्रांसपोजेंस कहते हैं, दोनों एक ही बात है। इनकी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी बारबारा मैक्लिंटॉक ने मेज में किया था, बारबारा मैक्लिंटॉक ने मेज में किया था। मैरीदास और समझ में आ गया होगा, वो जीन जो क्रोमोजोम्स के ऊपर अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं, ऐसी जीन को जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजेंस कहते हैं, मतलब थर्ड आंसर सही है। और इनकी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी बारबारा मैक्लिंटॉक ने किया था, मेज में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही है, बाहर से मैंने नहीं लिया है। एनसीईआरटी अगर कायदे से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड। और इजाज ने मार दी है बाजी और कर लिया है मुकाबला। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आधा गेम होने जा रहा है। सिमरन ईरानी आधा गेम होने जा रहा है और जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का जवाब फिर से किसने दिया है। इजाज ने दिया है, वेरी गुड। इजाज का आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड आंसर सही है और इजाज ने सबसे पहले जवाब दिया है और इजाज अब सबसे आगे निकल रही हैं।
अगर आपको मुकाबला करना है इजाज का तो आपको सही आंसर देना होगा और जल्दी आंसर देना होगा। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थ्रोपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर? तो 30 को अप्रूव कर किया जा चुका है रिकॉम्बिनेंट। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इजाज भी लगातार अपने स्कोर को बढ़ा रही है और रश्मि, स्नेहल, अवधेश, सिमरन सभी लोगों से मेरा कहना है, रोहन, ब्राउनियन सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए और इजाज को तगड़ी टक्कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। और सौम्या तुम्हारा आंसर गलत हो चुका है और मैरीदास तुम्हारा भी आंसर गलत हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड आंसर सही है। ओ, रोहन ब्राउनियन का नेटवर्क धोखा दे रहा है, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही है सेकंड, और देखते हैं किसने जवाब दिया है सबसे पहले। ये ध्यान रखना, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं और इजाज ने दिया है आंसर सबसे पहले। सेकंड आंसर सही है और इजाज 6 पॉइंटों पर पहुंच चुकी है। वेरी गुड इजाज, जितनी तारीफ करो उतनी कम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर जो मैच को टफ बनाना है, इजाज का मुकाबला करना है, तो आपको जम करके सभी को मैदान में कूदना होगा। हम एक को नहीं कर रहे हैं, सभी से ये बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेरी गुड श्रुति, तुम्हारा आंसर गलत हो चुका है। प्रांजल गलत आंसर, आपने टाइप भी नहीं किया था। और क्वेश्चन नंबर 17 सौम्या तुम्हारा आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड आंसर सही है। वरुण अग्रवाल तुम्हारा आंसर गलत हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड आंसर सही है। YouTube के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा घमासान हमें देखने को मिल रहा है और बाजी किसने मारी है, इजाज ने मारी है। तो इजाज वेरी गुड, इजाज के 7 पॉइंट हो चुके हैं। स्नेहल और रश्मि करिए कुछ, मैदान में कुछ कमाल करिए, मैदान को इंटरेस्टिंग बनाइए और नीट के पास पहुंचिए। तो 17 का थर्ड आंसर सही है। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ, तो केटल और पिक्स दोनों से निकाला जाता था, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इस समय आने वाला है और देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन, किसमें कितनी है दम और किसने कितनी बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को तैयार किया है। इन सारी बातों की जानकारी हमको आज लग जाएगी। किसने कितना बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को तैयार किया है उसका जवाब उतनी अच्छी से आएगा और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट आंसर सही है। रश्मि झा तुमने थर्ड क्यों लगाया है, ये मेरी बात समझ नहीं आ रही है। सिमरन हैरानी थर्ड क्यों लगाया है, वरुण अग्रवाल थर्ड क्यों लगाया है, क्यों क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन ये दिया है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्ट नहीं होगा, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, स्पेलिंग गलत है, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, फोर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन और टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, फोर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, तो टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन सही होगा। स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना। तो इंसुलिन कंसिस्ट होता है टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है,
क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट आंसर सही है, और मैंने एनसीईआरटी बुक से ही ये भी क्वेश्चन निकाला है। और जवाब दिया है किसने, इजाज ने सबसे पहले जवाब दिया है, और इजाज के 8 पॉइंट हो चुके हैं। स्नेहल 4 पॉइंटों पर संघर्ष कर रही हैं, और रश्मि झा के भी 5 4 पॉइंट हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच का जवाब। जल्दी से आप जवाब दीजिए, अगर जो आप जवाब दोगे तो एनसीईआरटी में ये देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी बुक खोलिए, और इंसुलिन आपको मिल जाएगा। 2 सॉल्ट पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। 18 का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक से ही उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। 19 देखते हैं क्या कौन जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन जवाब देता है सही क्वेश्चन नंबर 19, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब किसका सही आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और जवाब सबके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड आंसर सही है। हम इजाज़ से पूछना चाहते हैं थर्ड आंसर क्यों लगाया है आपने, थर्ड आंसर क्यों लगाया है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। अच्छा नहीं, इजाज का सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 इजाज सही है, 19 इजाज सही है, हमको देखने में भूल हुई थी। तो इजाज ने फिर से बाजी मार दी है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड आंसर सही है, और इजाज वेरी गुड, तुम्हारा आंसर सही है। 19 का सेकंड आंसर सही है, और तुम्हारे 9 पॉइंट हो चुके हैं। हाँ सही है, हमने गलत देख लिया था, हमने गलत देख लिया था। चलिए सिमरन, हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, स्पेलिंग जो मिस्टेक हुई है वो एक्चुअली में पेपर टाइप हमने बनाया है, क्वेश्चन हमने टाइप किया है, और हमको टाइपिंग आती नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पर गलती हो गई है। ठीक है, तो चलिए सिमरन हरानी जल्दी से खाता खोलिए, और रोहन ब्राउनियन बहुत जल्दी खाता खोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड आंसर सही है। तो जिन लोगों ने सेकंड आंसर लगाया उनका 100% सही है, और क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आ रहा है। और देखते हैं, देव साहब बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्वागत कर रहा है, और देखते हैं क्या जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कौन का जवाब सबसे पहले आया है। जवाब तो क्वेश्चन नंबर 20 का सबने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ आंसर सही है, फोर्थ आंसर सही है, और देखते हैं जवाब किसने सबसे पहले दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दिया है सबसे पहले इजाज ने, उसके बाद अरफा हसन ने जवाब दिया है। तो इजाज वेरी गुड, तुम्हारे 10 पॉइंट हो चुके हैं, 10 पॉइंट हो चुके हैं इजाज के, 10 पॉइंट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए स्कोर की तरफ एक मिनट देख लिया जाए। अवधेश के 2 पॉइंट हैं, स्नेहल के 4 पॉइंट, रश्मि के 4 पॉइंट, इजाज के 10 पॉइंट, और क्वेश्चन बचे हैं शेष 10। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर तुम चाहोगे तो। अच्छा, इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन किसी को नहीं दिख रहा है, दिखना यार चाहिए था। चलिए तो फोर्थ ऑप्शन सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और कौन बनेगा चैंपियन, किसमें कितनी है दम, पूरी ताकत दिखा लीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। इस मौके का पूरा पूरा फायदा आप लोग उठाइए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सबसे पहले किसने जवाब दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर लगभग सही आ रहे हैं, जितनी तारीफ करो उतना कम। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड आंसर सही है, और सेकेंड आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड आंसर सही है, और कौन बनेगा चैंपियन, और इस क्वेश्चन का कौन है चैंपियन, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड आंसर, और देखते हैं किसने दिया है सबसे पहले। वही जानी पहचानी लड़की कौन, इजाज ने दिया आंसर। वेरी गुड इजाज, और इजाज के 11 पॉइंट हो चुके हैं। सभी के लिए खुला मैदान है, दिखा लीजिए अपनी पूरी ताकत, और किसने एनसीईआरटी कितनी अच्छी तैयार की है, इसको भी आपको प्रदर्शित करने का मौका पूरा पूरा है। तो क्वेश्चन नंबर 22, नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा गेम हो रहा है, इसके पहले आज तक कभी ऐसा गेम नहीं हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 अवधेश, और जल्दी से जवाब दीजिए। 22 क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और देखते हैं किसमें कितना दम है, किसने कितनी तैयारी की है, इन सारी बातों का जवाब हमें क्वेश्चन नंबर 22 दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर अभी आ रहे हैं, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के आंसर सही है, कुछ लोगों के आंसर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट आंसर सही है। जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर लगाया उनका बिल्कुल सही है, और अब देखते हैं 22 का किसने सबसे पहले आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट आंसर सही है, हमको देखना है सबसे पहले फर्स्ट आंसर किसने दिया है, और सबसे पहले फर्स्ट आंसर रोहन ब्राउनियन का आया है, उसके बाद अरफा हसन का आया है, और उसके बाद सिमरन हैरानी का आया है। वेरी गुड, रोहन ब्राउनियन ने अपना खाता खोल दिया है। वेरी गुड रोहन ब्राउनियन, जिस बात का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। अब बात वेरी गुड, फर्स्ट सही है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट आंसर सही है, एडिनो वायरस का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए एडिनो वायरस का यूज किया जाता है, गलती मत करना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कौन बनेगा चैंपियन, किस में कितनी दम है, और ये अखाड़ा नीट के लिए मैंने तैयार किया है, मैंने नहीं तैयार किया है, आप लोगों की किस्मत ने तैयार कराया है। और देखते हैं 23 आपके लिए एक चैलेंज बन के आया है, और देखते हैं इस चैलेंज को कौन सबसे पहले स्वीकार करता है। और वेरी गुड, इस चैलेंज को सभी ने स्वीकार किया है, वेरी गुड स्वीकार। एसपी एसके, तुम्हारा आंसर गलत आया है, तुम्हारा आंसर गलत है, 23 का थर्ड आंसर सही है, 23 का थर्ड आंसर सही है। अवधेश इजाज सही बोल रही है, इजाज की बात के ऊपर अवधेश विश्वास करिए। इजाज ने कहा है अवधेश एडिनो वायरस रेट्रो वायरस है, बिल्कुल बात सही है, 100% सही है, और इजाज अवधेश तुम्हें बात मान लेना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट आंसर सही है,
और सबसे पहले आंसर इजाज का आया है। और इजाज एक बात तुमको और बता दें, बहन तुम्हारा पीछा कर रही है, बहन का तुम्हारे ठीक तुम्हारे बाद उसका आंसर आया है अरफा हसन का। इजाज का पहले आया है, अरफा हसन का बाद में आया है। और 7 क्वेश्चन अभी शेष बचे हैं और देखते हैं स्नेहल और रश्मि क्या करती है। नहीं तो आप अवधेश मालूम हो गया, आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही है, थर्ड आंसर सही है। सबसे पहले इजाज ने आंसर दिया है और सभी के लिए ये मैदान चैलेंज फुल है, चैलेंज भरा है, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका है। नीतू मिश्रा क्लासेस चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पूरी क्षमता के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए। और 24 क्वेश्चन का प्रदर्शन तो कर दिया है और कर दिया है। और मेड फेजी आपका आंसर गलत हो चुका है क्योंकि 24 का आंसर कुछ अलग है। भट्टाचार्य बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है हमारी आपकी, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, लगता है वर्षों बीत गए हैं हमारे आपके बीच कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट आंसर सही है। और देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने दिया है 24 का, और सबसे पहले आंसर दिया है रश्मि झा ने। 24 का फर्स्ट आंसर सही है और रश्मि झा ने आंसर दिया है, वेरी गुड, 5 पॉइंट रश्मि झा के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, तुम लोग लकी हो क्योंकि दो सीरीज, एक नहीं दो दो सीरीज आपके सामने है और वो भी टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। और बहुत बड़े लकी इस बात के लिए हो क्योंकि नीट 2001 में 2 बार होने जा रही है, इससे ज़्यादा लकी क्या हो सकते हो, बहुत लकी हो। और तुमसे भी ज़्यादा हम लकी हैं क्योंकि हमने पाया है आप जैसे विद्यार्थी, एक चाहे एक संस्कारित और जैसा हम कहते हैं वैसा मानने वाले हो, तो किस्मत तो मेरी भी अच्छी है कि तुम जैसे स्टूडेंट हमको मिले हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन तरफ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, पूरी ताकत दिखाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए और देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन, और देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन। लगता है सिमरन हैरानी ने मेरी आवाज को सुन लिया है और खाता खोल दिया है, वेरी गुड सिमरन हैरानी, सिमरन हैरानी का खाता खुल चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। रोहन ब्राउनियन का भी खाता खुल चुका है और दोनों विनर रह चुके हैं एक समय पर, दोनों रोहन और सिमरन दोनों विनर रह चुके हैं इस सीरीज के, वेरी गुड सिमरन, जितना धन्यवाद दे उतना कम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25 का फोर्थ आंसर सही है और भट्टाचार्य जी बिल्कुल सही आंसर है। और जितने भी चैनल के साथ नए लोग अटैच हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो को लाइक करते हो तो हमको एहसास होता है कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चे हमारे खुश रहते हैं, तो हमको एक इंडिकेशन मिल जाता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है कि हमें और अच्छे आपको क्वेश्चन देने हैं। तो लाइक जरूर कर लीजिए, लाइक से एक टीचर की शोभा बढ़ती है। अगर मुझे वास्तव में आप एक सम्मान देना चाहते हो तो लाइक जरूर कर लें, जिससे हमको पता लगता है कि हम पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे को सीख रहे हैं। अवधेश ने कुछ लिखा है, हाउ मैनी स्टैंड लीव्स विदाउट कट बाय रिस्ट्रक्शन एंजाइम। अवधेश का क्वेश्चन आया है और ये कहा है,
अवधेश ने कहा है फॉर ऑल बॉडीज के लिए ये क्वेश्चन है अवधेश का। सोचिए सभी को अवधेश ने दे दिया है चैलेंज सारे विनर को। क्वेश्चन कहा है हाउ मेनी स्ट्रैंड लीव्स विदाउट कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रोहन ब्राउनियल ने जवाब दे दिया है चार। अवधेश बताइए सही रोहन ब्राउनियल ने कहा है या गलत। तब तक क्वेश्चन नंबर 25 के आगे हम कराते हैं। सब लोग अवधेश के जवाब दीजिए और नहीं तो फिर बाद में हम जवाब देंगे अवधेश को। क्वेश्चन नंबर 4 सही बात है, बिल्कुल सही अवधेश ने जवाब दिया है रोहन ब्राउनियल, बिल्कुल सही बात सही जवाब दिया है। एक स्टैंड शेष बच जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी तरफ आ रहा है और इसी प्रकार से अवधेश क्वेश्चन तुम भी डालते रहिए जैसे ये लोग भी सीखते रहें। ऐसा नहीं है कि हम ही सिखा सकते हैं, तुम लोग भी सिखा सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर डालिए। और क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 26 वेरी गुड। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं और बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, सबके सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। जितनी प्रशंसा करो उतनी कम। और देखते हैं जवाब सबसे पहले किसने दिया है, विनर कौन इस क्वेश्चन का है, ये जरा मुझे देखना पड़ेगा। और सबसे पहले जवाब सिमरन हैरानी ने दिया है और इस क्वेश्चन की भी विनर सिमरन हैरानी है। सिमरन तुमने अवधेश की बराबरी कर लिया है, अवधेश के 2 पॉइंट, सिमरन के 2 पॉइंट हो चुके हैं, रोहन ब्राउनियन से आगे निकल चुकी हो 1 पॉइंट और स्नेहल 4 पॉइंट पर थक चुकी हैं, बैठ गई हैं, मैदान में खेलना बंद कर दिया है ऐसा लगता है मुझे। और क्वेश्चन नंबर 26 का फोर्थ आंसर सही है, नीतु 26 का फर्स्ट आंसर नहीं है। और मनीषा सिंह मिश्रा क्लासेस चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आते ही आपने जवाब भी सही दिया है। और इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 26 का फोर्थ आंसर सही है और 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आप, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है, बस आपके आंसर का इंतजार है मुझे। और आंसर बहुत सारे लोगों के आए हैं, बहुत सारे लोगों के आए हैं और बहुत जल्दी जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं और सभी का आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। सबके आंसर सही है, मनीषा बिल्कुल सही आंसर है और क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड आंसर सही है। बहन ने मारी बाजी अर्पा हसन, तुम गलत आंसर दी हो, इजाज ने सही आंसर दिया है। एक बार रीचेक हम और कर लेते हैं, क्या इजाज ने ही आंसर सही दिया है। तो वेरी गुड, सभी के आंसर सही आए हैं क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले इजाज का आंसर आया है, उसके बाद सिमरन हैरानी का आया है, अर्पा हसन का तो गलत आंसर था। और सिमरन हैरानी वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 27 का, क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड आंसर सही है, नीतू सेकंड आंसर सही है, मनीषा आंसर तुम्हारा 27 का गलत है और बाकी सभी के सही है। जिनके गलत है वो अपने आंसर कैंसिल कर लिए हैं। और वरुण अग्रवाल तुम्हारा आंसर भाई गलत हो चुका है, सेकंड आंसर सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ, सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं, माइस में है। हाँ इजाज समय मालूम हो गया है, दोपहर में ही अर्पा तुम्हारी सिस्टर है, लेकिन दोपहर में बहुत बढ़िया खेल रही थी और शाम को सब सामने तुम्हारे हैं, वैसे अच्छा खेलती है, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 28 अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और लग जाइए जुड़ जाइए क्योंकि विनर का रास्ता पास में आ रहा है।
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यह चैलेंजर सीरीज का कौन सा चैंपियन है। देखते हैं शिवांश, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। और अरफा हसन ने जवाब दे दिया है और कह दिया है कि मैं इजाज की रियल सिस्टर हैं, और अवधेश ने भी स्वीकार कर लिया है क्योंकि दोनों बहनों के एक साथ आंसर आए हैं। पहले किसका आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 29। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 28। और देखते हैं 28 का सबसे पहले जवाब आया है, अरपा हसन का आया है, फिर सिमरन हरानी का आया है, उसके बाद रश्मि झा, उसके बाद इजाज, उसके बाद अवधेश। वेरी गुड, जितनी तारीफ करो उतनी कम। अरफा हसन को मैंने कहा था और अरफा हसन को इतनी बात मेरी बुरी लग गई कि तुरंत खाता खोल दिया, और अगर जो ऐसा ही है तो हम हर बार अरफा तुमको गुस्सा दिलाएंगे और लगातार आगे बढ़ती रहो। शिवांश, अगर जो अरफा हसन यंगर है तो तुम क्या ओल्डर हो? तुम भी यंगर हो, लड़िए, मैदान में आइए, ठीक है? चलिए, और शिवांश तुम किसी से कम नहीं हो, जवाब दीजिए फुर्ती से क्योंकि तुम भी सही जवाब देते हो और सभी ने जवाब अच्छा दिया है। और 28 क्वेश्चन का जवाब है फर्स्ट, आंसर क्या है, फर्स्ट है और सभी का सही जवाब है। वेरी गुड, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 29। अब हम विनर की तरफ जा रहे हैं, विनर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन आज का, किसमें कितनी है दम, किसने कितनी ताकत दिखाई है यूट्यूब के इतिहास में पहली बार नीट के दंगल में, वो भी मिश्रा क्लासेस की द्वारा चलाई जा रही है। और देखते हैं 29 का जवाब किसने सबसे पहले दिया है। और सबसे पहले 29 क्वेश्चन के जवाब तो सबके सही आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जितनी तारीफ करो उतनी कम, जितनी तारीफ करो उतनी कम। 29 क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर सही है, जिन लोगों ने फर्स्ट लगाया है उनका बिल्कुल सही है। अब देखना है 29 का फर्स्ट सबसे पहले किसने लगाया है, जरा ये मुझे देखना है। स्नेहल, तुम्हारा आंसर गलत हो चुका है, सबसे पहले इजाज का आंसर सही आया है, उसके बाद रश्मि, उसके बाद कुमार, उसके बाद सिमरन हरानी, सिमरन हरानी ने स्पीड पकड़ ली है, उसके बाद अरफा हसन, मोना नागर, शिवांश और अवधेश, सारिका और दवे साहब और प्रांजल, सौम्या, आसपीएस के, अरुण अग्रवाल, नीतू, सभी के आंसर सही आए हैं। नहीं कुमार भाई, तुम फर्स्ट नहीं हो, हमसे गलती मत कराइए, घोटाला हो जाएगा, और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है, इसलिए हमसे घोटाला मत करवाइए। सभी डॉक्टर बनेंगे, सभी डॉक्टर बनेंगे शिवांश, और यही सोच करके हम निकले हैं मैदान के अंदर, क्योंकि हमारे दो बेटियां हैं और दोनों डॉक्टर हैं, तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि दो ही डॉक्टर क्यों हैं, हमारी लाखों बेटियां क्यों डॉक्टर नहीं है, लड़के क्यों डॉक्टर नहीं है, और यही सोच करके हम मैदान में उतरे हैं, क्योंकि हम एक एक घर में तो जाके पढ़ा नहीं सकते हैं। इस यूट्यूब के माध्यम से हम अपने भारतवर्ष के हर लड़के और लड़की के पास पहुंच सकते हैं, और जितना भी हमको कम आता है या ज़्यादा आता है उतना हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, और जितना हमसे हो सकता है हम पूरी ताकत के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सभी लोग डॉक्टर बने, और यही मिशन लेकर के हम सामने आए हैं। यही मेरा उद्देश्य है कि सारे भारतवर्ष के बच्चे और बच्चियां जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बने, और पैसे के कारण कोई न रुके, ये मेरा उद्देश्य है, और जब तक सांस चलती रहेगी तब तक हम ये सेवा देश की करते रहेंगे विदाउट पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, हमको दिलाएगा एक चैंपियन, चैंपियन तो सभी हैं,
हमको एक दिलाएगा चैंपियन। आज का कौन बनेगा चैंपियन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए आ चुका है और देखते हैं ये नंबर लेने से कौन रोक रहा है इजाज को। ये चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी। सभी के बहुत सुंदर सुंदर आंसर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड आंसर सही है और अब देखते हैं किसने रोका है इजाज को, किसने रोका है इजाज को और किसने नहीं हिम्मत जुटा पाई है इजाज को रोकने की। तो किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई है इजाज को रोकने की और क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड आंसर इजाज ने सबसे पहले दिया है और इजाज 14 पॉइंट हैं और इजाज और रश्मि जब खेलने लगती हैं तो बड़ी लंबी लंबी पारियां खेलती हैं, बहुत लंबी पारियां खेलती हैं। इन दोनों में बहुत बड़ी विशेषता है और सब में विशेषता है। जितने भी विनर बने हैं काफ़ी लंबी पारियां खेली हैं सभी ने, कोई किसी से कम नहीं है और सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। और इजाज के रूप में आज हमें मिल गई है एक लड़की। कौन बनेगी चैंपियन इजाज, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हालांकि शुभकामनाएं सबके लिए हैं, एक के लिए नहीं सबके लिए हैं, लेकिन जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी के हिसाब से आज की चैंपियन इजाज हैं। वैसे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चैंपियन हो, कोई किसी से कम नहीं है। और हम जानते हैं नेटवर्क इशू होने के कारण बहुत लोगों का आंसर सही समय पर नहीं आ पा रहा है, इसलिए किसी का कोई दोष नहीं है। और इजाज ने भी सभी के स्वागत को स्वीकार किया और बदले में सभी को धन्यवाद दिया है। यही एक प्रेम है। युद्ध के मैदान में कंपटीटर और युद्ध के बाहर एक दोस्त होना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। फिर मिलेंगे कल सुबह 12 बजे मास्टर सीरीज के साथ। तब तक मस्त रहिए, मस्त मत रहना, पढ़ाई करिए, ठीक है। केवल बुकों में खो जाइए और जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे, ये 3 महीने आपके टर्निंग पॉइंट, इन 3 महीनों को देखिए। जब किताबों में जुटोगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे